अंदोलन करने की जी परमिशन मिली है सानू उहदे विच रह के असीं अपनी जित प्राप्त की। सो किवें जिहड़ा सारे चीज़ां नू कंट्रोल करन दे विच कीड़ी चीज़ है जिहड़ी कम आई? बाबा नानक वो कम आया गुरु साहिब। इस अंदोलन च खड़ोत नहीं आई, वध घट आ जांदी आ। खड़ोत आउणी इक गलत हुंदी आ, इह परमात्मा अपने आप अपने आप चलाउंदा रहा। 27 फसलां MSP क्लीयर हुंदी है पर वह प्रक्योरमेंट नहीं होंगी। पूरे इंडिया में उसकी प्रक्योरमेंट होनी चाहिए है। काल के चीज़ बनी हुई, मेरी निजी राय है काल के चीज़ बनी हुई गलत हो जाती, क्योंकि काल के इन्होंने COVID-19 के 3 कानून बनाए थे, अज वापस लेने पे ने। तो सोच समझ के फैसला लिता जाए ज़्यादा। तो यह जिहड़ा भी फैसला लिता जाऊगा, मैं स्टेज पर भी कह गया भी एके ना जित हुई है, एके ना अगले फैसले लिते जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे दे स्टेज दे कोले असी मौजूद हाँ, जिथे माहौल है जिहड़ा वह बड़ा वक्रे किस्म का माहौल है, बड़ा वधिया माहौल है, क्योंकि एक साल पूरा होया अज किसान मोर्चे नूं ते जित दी खुशी किसानां दे विच वह साफ तौर पर झलक रही हैगी है। भारतीय किसान यूनियन कादियां दे लीडर हरमीत सिंह कादियां साडे नाल मौजूद ने, गलबात करांगे। हरमीत सिंह जी, किवें देखदे हो हुण तक जो होया ते अगली जिहड़ी रणनीति हैगी है वह हुण की रहेगी जी? सबर संतोख की जित हुई है जी। डेमोक्रेसी के प्रशासन अनुशासन के रह के एक अंदोलन करने की जी परमिशन मिली है सानू, रह के असी अपनी जित प्राप्त की। तो हुण 3 खेती कानून है जिहड़े वापस करन दा ऐलान पहले ही नरेंद्र मोदी ने करता है। कल बड़ी इंपोर्टेंट मीटिंग है जिहड़ी किसानां दी होनी है, जिहदे विच अगली रणनीति बनाई जाऊगी, फैसले ले जाणगे। की लगता कि मेन जिहड़ियां किन्ना गल्लां ते चर्चावां होणगियां? देखो 3 कानून के वॉच वास्ते हाले बैठे हैं, क्योंकि वह पहला प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, फिर कैबिनेट के रखिया, फिर हुण पार्लीमेंट 29 तरीक नूं उन्होंने कहा भी असीं देवांगे, तो उहदे ते वॉच आ। बाकी जिहड़ी साडियां अंदोलन जदों वड्डा हो जांदा, साल हो जांदा, इहदे च किन्नियां परचे हो गए, किन्ने साडे किसान शहीद हो गए, उहनां दा की कीता जाऊगा, किवें मुआवजा दित्ता जाऊगा, किसान जिहड़े परचे होए आ यूटी दे होए आ हरियाणे दे होए आ वह किवें कीते जाणगे। इस करके वह सारयां ते वॉच करके कल एक 27 मैंबरी जिहड़े SKM है 27 तरीक नूं रखी गई मीटिंग, उहदे च अगले विचार रखे जाणगे भी, क्योंकि असीं उह खुली चिट्ठी प्रधानमंत्री नाम लिखती सी, उन्होंने संबोधन महसूस किया ही खुली चिट्ठी लिखती। हरमीत सिंह जी, संघर्ष बहुत वड्डा सीगा, काफ़ी लंबा समा जिहड़ा अंदोलन चलिया हैगा, तो उतार चढ़ा काफ़ी देखे ने, तो कई बार यूनियनस का आपस के भी टकराव देखने को मिलिया। सो किवें जिहड़ा सारे चीज़ों नूं कंट्रोल करने के चीज़ है जिहड़ी कम आई? बाबा नानक वो कम आया, गुरु साहब ने अपना परथक दिखाया भी है, जितन गुरपुरब से उदन ही असं जितते हैं। तो हमेशा ये जिहड़ा मोर्चे बारे जो स्टडी की जाती सी, असीं कहिंदे सी भी चलाउंदा कौन पिया, भी जथेबंदी चला रही, तुसीं कहिंदे विच फर्क आ, डिफरेंसिस आ जांदा सी, पर कदी खड़ोत नहीं आई। इस अंदोलन च खड़ोत नहीं आई, वध घट आ जांदी आ, खड़ोत आउणी इक गलत हुंदी आ, इह परमात्मा अपने आप चलाउंदा रहा। सो हुण जिहड़ी MSP दी इक जिहड़ा मुद्दा वह लगातार चर्चा दे विच हैगा कि MSP दे उत्ते अगली जिहड़ी गल होनी चाहीदी, उस तों बाद अग्गे दा सोचा जाऊगा। सो MSP बारे दस्सो, मेन कित्थे कित्थे जिहड़ी वह किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां मेन मंगां ने जिहड़ियां किसानां दी? देखो असीं चाहुंदे आ भी किसानां नूं 27 फसलां MSP क्लीयर हुंदी है पर वह प्रक्योरमेंट नहीं होंगी। पूरे इंडिया में उसकी प्रक्योरमेंट होनी चाहिए है, वो तो एक कानून होना चाहिए भी उदू घट रेट पर किसान ना मिले, क्योंकि MSP जो मिलती है तो किसी फार्मिंग अपनी वाइबल रहती है, तो वो कानून बनना साडा एक मंग सी। उहदी मंग नूं पूरा करन वास्ते असी अलग अलग ढंग हो सकते हैं, साडा कानून बनाया जा सकता, कमेटी का उन्होंने प्रधानमंत्री ने थोड़ी जी गल रखी है, जदों अपील किए आ जे कमेटी बनाते तो फॉर्म की है, कमेटी कितने काम के उत्ते मिट्टी ना हो, घट्टो घट्ट वो एक टाइम बाउंड हो, लोगों का वॉच हो भी हाँ 6 महीने या साल आज रखी जाए, उस मैंबरशिप किमें होड़ी कमेटी के किड़े मैंबर होट्टो घट्ट साड़ी मंग है भी अद्धे मैंबर साढ़े संयुक्त मोर्चे लिते जाए, क्योंकि किसाना भी रीप्रजेंट करते हैं, उन्होंने फसल लैनिया, उन्होंने पता फसल उगती किन्ने दी है, विकनी किन्ने दे, एक फार्मर स्टेबल किन्ने दे रह सकता, तो जे कानून बनाना तो उन्होंने बिच रख के उदू बाद जो कानून बनाया जाता तो उसे तक। इस तरह ये अलग अलग एक प्रतिक्रम ने, कोई कमेटी हुण कानून बनाना चाहता, कोई कमेटी के कानून डेफिनेशन बनाना चाहता, काल के चीज़ बनी हुई, मेरी निजी राय है काल के चीज़ बनी हुई गलत हो जाती, क्योंकि काल के इन्होंने COVID-19 के 3 कानून बनाए थे, अज वापस लेने पे ने। तो सोच समझ के फैसला लिता जाए ज़्यादा वधिया। हरमीत सिंह जी, ये भी दसो कि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना हैगा कि जदों 3 खेती कानून वापस ले गए ने, उन्होंने रद्द करने का ऐलान कर दिया गया,
यही मेन मंग सी किसानों की, पर अंदोलन अजे भी क्यों चल रहा है, ये जिहड़ा इकट्ठ हो रहा सीगा इहनूं वेख के भी जिहड़ी आम पब्लिक है उहनां दे ज़हन च आ रहा सीगा कि ये उठ क्यों नहीं रहे, कि इन्हां ने होर जिहड़ा हैगा वधाउण दी गल कर रहे ने, अंदर की चल रहा हैगा, सो इह वी लोकां दे विच किवें क्लीयर करोंगे चीज़ां? देखो अंदोलन आपां जित लिया, पर जिन्हें फोन अंदोलन जितते खुशी च आए आदि नाल फोन भी आया भी जेडे आगुआ की जिम्मेवारी बनती है उन्होंने समेट के लैके जाना, समेट के लैके जाना मतलब पंजाब दे विच अगे जिन्हें भी फैसले हुए वो सिरे नहीं चढ़े, तो उत्ते कितना कितने सानू पै है, जे पै है तो असी वो कहते पक्का करके लैके आयो, एक खुशी दे विच कहा होया भी आप जित गए पर इनू पक्की जित बना के लैके आओ, पक्की जित जिथे कानून बनया पार्लीमेंट जब तक उत्थे वापस नहीं दिते जाते, इनू आप पक्के तौर पर जित मनी नहीं जा सकती। जिहड़े अगले प्रोग्राम भी जिहड़े सोचे गए ने गे, चाहे वह संसद वल मार्च करन दी गल होवे होवे, उहदे विच भी काफ़ी यूनियनस का अलग अलग जिहड़े विचार हुंदे ने, सो उत्थे लगता कि सहमति जिहड़ी आ बन रही आ सब दी कल मीटिंग दे विच बनूगी? देखो अलग अलग विचार ही आए आ, अलग अलग विचार दे जथेबंदियां सी इकट्ठियां होईयां, लंबा अंदोलन चलाया तो अलग अलग विचार आने भी चाहिए, हर पक्षों एक डेफिनेशन तैयार होनी है तो हर पक्षों की स्टडी होनी चाहिए है, जो भी फैसला इस स्कीम का होंगे साड़ी जथेबंदी हमेशा उस फैसले पर फुल चढ़ाती है। बहुत सारे जड़े किसान लीडर सीगे सियासत विच भी कुद गए ने ते दूजियां नूं भी कह रहे हैं कि सियासत विच आना चाहिए, इलैक्शनस नज़दीक ने खास तौर पर पंजाब दियां, हुण किसान मोर्चा हैगा जिहड़ा तुहाडा सारे का की स्टैंड हैगा कि लगता कि किसान लीडरां तो बिना जिहड़ियां हैगियां चोणां हैगियां जां क्योंकि आने वाले समय के जो मुद्दे ने पंजाब के वो लगता कि जिहड़े हुण तक दियां रवायती पार्टियां ने हल कर सकदियां ने? जब भी आप इतने बैठते सी उत्थे यही गल कहा जाता सी भी कि तुसीं चोणां जाओगे कि तुसीं पॉलिटिक्स जाने हो जां होर, यह नरेटिव एक तरह गलत बनाया गया, असीं एक लोकतंत्री तौर पर लड़ाई तो असीं लड़े हैं जित प्राप्त की है, हमेशा तुहानूं इह कहा गया जब तक साडी निगाह मोर्चे वल आ, मोर्चे तो बगैर असीं कुछ नहीं सोचते, अज तक भी मोर्चे की जित वाले सी, अज असीं जित प्राप्त की है, जब तक समेट के नहीं जाते जब तक इस पर गल करनी मैं कहना गलत होगी, तो यह जिहड़ा भी फैसला लिता जाऊगा मैं स्टेज पर भी कह गया भी एके ना जित हुई है एके ना अगले फैसले लिते जाणगे। जी शुक्रिया जी। सो हरमीत सिंह कादियां दे नाल गलबात कर रहे सीगे जो मौजूद ने शुरू तो लगातार बने हुए ने ते जिन्हां वल्लों ये जानकारी दित्ती गई हैगी है कि आने वाले समय दे विच भी क्योंकि अंदोलन जिहड़ा काफ़ी हद तक किसानों ने जित लिया, पर इन्हां दा कहना कि अंदोलन नूं पूरे तरीके दे नाल समेट के जिन्नियां भी मंगां ने जो भी एजेंडे सीगे जो गल्लां मेन सोचियां गईयां सीगियां जो मुद्दे हल करवाउणे सीगे सो सारे मुद्दे हल करवा के अंदोलन समेट के ही इतों वापसी होगी। सिंघू बॉर्डर तो कैमरामैन आकाशदीप के नाल हर्षभाव सिंह सिद्धू बाबू शाही टाइम्स।